जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रियू। तो आज ना मैं आपके सामने इन रियल फ्लावर ज्वेलरी की वीडियो शेयर करूंगी जो मैंने एक कस्टमर के डिमांड में बहुत ही अर्जेंट में बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स ले लिए हैं एकदम फ्रेश फ्रेश है। और फिर यहाँ पर लिया मैंने पर्ल चैन, बकरम, आप इसकी जगह तो वैक्स टिप भी यूज कर सकते हैं, और डोरी, इयररिंग स्टड और रिंग बेस। और हाँ, लेस और ग्लूगन लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बकरम को नेक का शेप कट कर लेंगे, बट मैं यहाँ पर बकरम की जगह पे वैक्स स्ट्रिप्स यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और हमारे नेक पे भी बिल्कुल चुभेगा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बकरम ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डोरी को अटैच कर लूंगी ग्लूगन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने डोरी अटैच कर ली है, उसके बाद यहाँ पर फ्लावर एक साइज के पूरे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रोज और डेजी वाले फ्लावर्स को अटैच करके देख ले रही हूँ। हाँ, तो ये हमारे फ्लावर सिलेक्ट हो गए। अब हम जो अपनी पर्ल चैन है इसको थोड़े से हैंग करेंगे जिसका उसका लुक बहुत और प्रिटी प्रिटी सा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही पर्ल चैन को पूरा अटैच कर लेंगे। अब करेंगे यहाँ पर फ्लावर को अटैच। तो यहाँ पर मैं बैक साइड पे ग्लूगन लगा के इसको पूरा इस पर फिक्स कर लूंगी। इससे ही बिल्कुल निकलेगा नहीं, कि अगर लोगों को लग रहा हो कि नहीं पेटल लग जाएंगे फिर इसमें स्टिक होने के बाद ये निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलता है क्योंकि हम फ्लावर्स को तोड़ के तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारा नेक पीस बन के तैयार हो गया बातों ही बातों में। अब यहाँ पर बनाएंगे इयररिंग्स। तो सबसे पहले इयररिंग स्टड को लेके इसमें फिक्स कर लेंगे, और जो मैंने बकरम का राउंड गोल कट किया है इस पे फ्लावर लगा के अटैच करेंगे। सेम साइज के दो फ्लावर ले लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पर्ल को अटैच कर रही हूँ। तो डबल लेयर पे यहाँ पर मैं पर्ल चैन को अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास पर्ल चेन नहीं है तो आप डायरेक्ट ही फ्लावर फ्लावर लगा के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारा लगेगा। पर्ल चेन लगने से थोड़ा सा उसका लुक और अच्छा हो गया है। तो यहाँ हमारा फ्लावर मैंने बना दिया है पिंक कलर का। उसके बाद मैं यहाँ पर मिड में भी एक फ्लावर अटैच करूंगी जिससे एक बहुत खाली खाली सा लग रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने मैरीगोल्ड वाले फ्लावर लगाए थे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, और हाँ, जो मेरा दूसरा सेम साइज का फ्लावर है उसको कट करने में ही वो पूरा टूट गया था। तो फिर मुझे वही वाला फ्लावर लगाना पड़ा, डेजी वाला जो मैंने नेकलेस में लगाया है। फिर सारी ज्वेलरी मैं इन्हीं दोनों फ्लावर से बनाऊंगी। मेरे पास वैसे भी मैरीगोल्ड वाले फ्लावर बहुत कम थे। तो अब ये लगाने के बाद एकदम खिलके ही आ गया मेरा इयररिंग्स। तो अब इनको साइड में कर लेंगे। अब बनाएंगे हाथ फूल। इसको लोग हाथ फूल, ब्रेसलेट और रिंग बेस या जो भी कहते हो, मैं तो इसे हाथ फूल बोल रही हूँ, आप ब्रेसलेट भी कह सकते हैं। तो अब इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रिंग बेस को इसमें फिक्स कर दिया है और साइड से बकरम लगा के इसको और अच्छे से फिक्स कर दिया जिससे बिल्कुल भी निकले नहीं। और ये ब्रेसलेट वाला एरिया भी मैंने थोड़ा पतला करके कट कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पे पर्ल चैन को और जो ये हमारा जिसपे मैं बांधूंगी, आप चाहे तो सिर्फ पर्ल चेन लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे और थोड़ा मजबूत बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लेस वाली जो डोरी आती है इसको गोटा पट्टी बोलते हैं, जो अच्छी वाली मजबूत वाली मैंने ये लगा दी जिससे बांधने में बहुत आसानी से बन जाएगा ये। फिर मैंने पर्ल चेन को फिक्स कर दिया है जिससे हाथ पूरा भरा भरा सा लगेगा। इसको भी ग्लूगन की हेल्प से पूरा अच्छे से फिक्स कर देंगे। ऊपर से भी ग्लूगन मैंने लगा दिया जिससे बिल्कुल भी ये ना निकले। अब यहाँ पर अटैच करेंगे अपने फ्लावर्स। तो वन बाय वन करके मैंने अरेंज करते हुए पूरे में फ्लावर लगा दिया है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, इससे आपको मेरी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत बताया, या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तो ये हमारा हाथ फूल भी बातों बातों में बनके तैयार हो गया है। अब बनाएंगे इस पे बेल्ट, क्योंकि मेरी कस्टमर की एक डिमांड थी कि मुझे बेल्ट ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेन ऐसे ही बकरम को रेंडमली कट कर लिया है। इसके बाद मैं वही गोटा वाली पूरी लेस इस पे अटैच कर दूंगी। पूरे साइड से मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे इस पे पूरा अच्छे से मजबूती बनी रहे। आप चाहे तो सिर्फ साइड साइड में लगा सकते हैं, बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये पूरा हाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं पूरे फ्लावर्स को वन बाय वन अटैच कर दूंगी। एक बार मैं ये रोज़ का फ्लावर, फिर उसके बाद डेजी, लाइन से इसे पूरा लगाती चली जाऊंगी। मैंने फर्स्ट टाइम ये रियल फ्लावर ज्वेलरी ट्राई किया है। इससे पहले मैंने कई बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं होते हैं, मैंने उनकी ज्वेलरीज बहुत बनाई है, बट वीडियो तो मेरे पास अभी नहीं पड़ी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि पहले मैं कोई वीडियो नहीं शूट करती थी इतना। तो ये हमारी रियल फ्लावर ज्वेलरी का फर्स्ट वीडियो है, और जो कि बहुत अच्छा बना था। इसका फाइनल लुक भी आपको एकदम लास्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा कि कैसी वो ब्राइड लग रही थी जो उसने पूरा इसको वेयर किया था। अब चले करते हैं इसका मांग टीका बनाते हैं। तो देखिए कैसे मैंने बकरम को कट किया है, पूरा राउंड राउंड करते हो। आप चाहते किसी पर ढक्कन का पूरा इसमें मार्किंग करके कट कर सकते हैं। तो बेंदी के लिए मैं यहाँ पर राउंड शेप का कट कर लिया है बकरम को। फिर यहाँ पर मैं पालचन को अटैच कर दिया है फिर ग्लूगन से। उसके बाद फ्लावर्स लगा लिए हैं, ऊपर की साइड मैंने हुक लगा दिया है। तो ये हमारा मांग टीका भी तैयार हो गया है। अब नीचे थोड़ी सी लटकन लगाऊंगी जिससे ये थोड़ा सुंदर सा दिखे, क्योंकि हम लोगों ने नेकलेस और इयररिंग वाले ज्वेलरी में जो है मैंने अच्छे से पालचन अटैच की है, तो मांग टीका में भी अटैच करूंगी जिसके इसका लुक बहुत अच्छा है। तो डबल लेयर पे मैं यहाँ पे मांग टीका लगा रही हूँ अटैच करके। तो ये हमारा मांग टीका का बन के तैयार हो गया है, इसको साइड में कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक हेयर एक्सेसरीज भी बना रही हूँ, क्योंकि वैसे हेयर वरना खाली खाली से लगेंगे। तो दो यहाँ पर मैंने एलिगेटर क्लिप थी उनको अटैच करके फिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बकरम पे दूसरी साइड से पूरे फ्लावर लगा दूंगी। तो ये हमारी हेयर एक्सेसरीज भी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मेरा नेकलेस का सेट कैसा लग रहा है, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एक तो मैंने जैसे सोचा था ना, ये उससे भी ज्यादा अच्छा बन गया है। और ये है इयररिंग्स, तुम प्यारे प्यारे से। और ये देखिए हाथ फूल। आपको इन सारे पांच छह आइटम्स में सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये हमारी बिंदी, और ये देखिए बेल्ट की कितनी ज्यादा ये प्यारी लग रही है, एकदम सिंपल उसमें है और बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आप पालचन नहीं अटैच करेंगे तो कुछ आइटम्स आपके ऐसे ही दिखेंगे। और ये हेयर एक्सेसरीज चाहे आप जूड़े के ऊपर लगाएं या बाल खोल के भी लगा सकते हैं। तो सारे आइटम्स में आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, भर भर के कमेंट कर दीजिएगा। और ये देखिए पूरा बैक कैमरे से इसका लुक कि कितना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। एक्चुअली रियल में ये इससे ज़्यादा प्यारा लग रहा था जितना कैमरे में नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए हमारी ब्राइड जो पूरा इसको वेयर कर रखी थी ज्वेलरी, कितनी ज़्यादा ये प्यारी लग रही है। ऊपर से इसकी ड्रेस एक नंबर की थी, तो ये कितनी ज़्यादा आप प्यारी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैंने इसको 3-4 बार बोल चुकी हूँ आपको लाइक करने के लिए। और मैंने अपने चैनल पे पहले भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं क्राफ्ट से रिलेटेड, उन्हें ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।